साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोस पर जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 500 वाट ऑडियो बोर्ड जो कि क्लास डी में आई है, आप देख सकते हो कि ये मॉसफेट में आई आर एफ पी 260N दोनों सेम मॉसफेट है उसमें बना हुआ है। और आईसी के यहाँ आप देख सकते हो कि नंबर मिटवाया गया है यहाँ पे, और इस वाले आईसी को ये इसके ऊपर इतना वो हुआ है कि ये थोड़ी सी अंदर को घिस गई है घिसने के चक्कर में। और आप देख सकते हो मॉसफेट के नंबर नहीं मिटवाए गए हैं। खैर, तो इसी वाले बोर्ड को आज हम चला के दिखाएंगे कि ये पूरा 500 वाट आउटपुट देता है या नहीं देता। और इसके लिए और इसकी क्वालिटी आप फिलहाल देख सकते हो कि क्वालिटी को जिस तरीके से इसका जो ये है ये बहुत ज़्यादा ढीला है, यूँ ही निकला जा रहा है। तो खैर, इसकी तो खैर कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह की क्लिप अगर कभी भी ढीली आती है तो आपको क्लास की मदद से, जैसे कि जो इसके यहाँ पर होता है, तो आप इस तरीके से दबाओगे इसको तो थोड़ा बहुत नीचे को होएगा ये, तो इस तरीके से नीचे करके डाउन करके फिर अगर आप इसको फंसाते हो बाद में तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे ये फंस जाएगा। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से ना कनेक्ट करके डायरेक्ट सोल्डिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हीट होएगा जिस टाइम पे ये इस तरीके से लगा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीला है ये। इसको कितना भी टाइट कर लो बट ये ढीला ही रहता है। अगर ये टाइट रहता और अच्छी तरीके से जो वो फिटिंग वाला होता तब मैं कहता कि इसको आप लगा सकते हो। खैर कोई बात नहीं, मैं सोल्डिंग ही करूँगा इसके अंदर। और दोस्तों, इसको ऑपरेट करने के लिए जो सप्लाई का यूज़ करूँगा मैं, जो कि आप मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी मैंने पहले वीडियोस में भी आपको दिखा रखा है इसको, तो ये सप्लाई है 24 लिखा हुआ बट ये 35 वोल्ट तक आउटपुट देती है ये। तो इसी सप्लाई से पहले मैं इसको चला के देखूँगा, हालांकि ये सप्लाई जो है इसको अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगी, बट फिर भी हम फिलहाल इस वाली वीडियो में इसको चलाने के लिए हम इसी वाली सप्लाई का यूज़ करेंगे और फिर चला के देखेंगे कि कितना लोड पड़ रहा है। और हालांकि ट्रांसफार्मर से चलाते या इसी सप्लाई से चलाएंगे जब भी एक ही बात है। और इस सप्लाई को चलाने के लिए मेरे पास है एक 330 एम्पियर की पावर सप्लाई। मैं इस वाली वीडियो के बाद एक और पावर सप्लाई लाऊंगा, क्योंकि 30 एम्पियर की है तो 360 वाट ही ये आउटपुट निकाल सकती है, तो 500 वाट का हम नाप भी नहीं सकते इस वाली सप्लाई की वजह से। तो इस वाली सप्लाई से मैं इस वाले ऑडियो बोर्ड को चेक करके देखूंगा। तो चलिए अभी इसके बारे में देख लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस, इधर वोल्टेज प्लस, ये ग्राउंड, यहाँ आउटपुट और ग्राउंड, स्पीकर के दोनों वायर यहाँ लगेंगे, यहाँ ग्राउंड प्लस और इधर वाले पे माइनस की सप्लाई लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्लस माइनस और बीच वाला जीरो होता है तो वो यहाँ लग जाएगा और स्पीकर के आउटपुट के वायर यहाँ लग जाएंगे। इनपुट पे मैं डायरेक्ट अभी इनपुट लगा के देखूंगा, उसके बाद फिर हम बेस टेबल से भी एक बार इसको चला के देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वाले बोर्ड की मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर जोड़ूंगा मैं इस तरफ, जैसे कि आप ये देख सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी सोल्डिंग कर सकता हूँ बट यहाँ पे मेरे को हिलेगा तो फिर ये दिक्कत है। अगर ज़्यादा टाइट कसा रहता तो थोड़ा ठीक रहता। तो यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे मैं एक ये वाली ब्लैक वाली वायर लगा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड। हालांकि आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी होल दिए गए हैं, मेरे हिसाब से इसलिए होगा कि यहाँ पे भी आप वायर लगा सको, किसी और की वजह से है। तो एक वायर यहाँ लग गई और देख सकते हैं ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई है, तो ये एक हो जाएगी इधर वाली माइनस की, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, सॉरी प्लस की, इस तरफ आप देख सकते हो प्लस है, तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ ये लाल वाले का प्लस, यहाँ पे लग गया प्लस और यहाँ पे लगेगा एक ये माइनस, तो देख सकते हो ये वाला हो गया माइनस का, ये वाला प्लस का, और यहाँ पे लगेगा आउटपुट के लिए वायर लगेगी यहाँ पे। तो ये रही आउटपुट की वायर, जो कि काफ़ी बड़ी है, वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ तक मुझे पहुँचाना है। तो आउटपुट के लिए मैं यूज़ आउटपुट प्लस माइनस देख लेते हैं, वैसे तो इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, प्लस माइनस उल्टा भी हो जाए तो आउटपुट का, बस ये रहता है कि दोनों स्पीकर का सेम होना चाहिए। तो ये हो गया आउटपुट और ये हो गया ग्राउंड उसका।
ठीक है। तो ये हो गया जीरो, ये आउटपुट, ये ग्राउंड, और इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो जो दो बार सेम टेप में लगी हुई है, प्लस माइनस है वो, तो माइनस वाला काला था तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद प्लस वाला लाल था तो मैं प्लस वाले को यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद जो कि जीरो है वो ये ब्लैक वाली है जो कि अलग है एक, ये बार ये वैसे भी अलग है, आप अगर इसकी क्वालिटी और इसमें अंतर देखोगे तो ये वैसे भी जीरो वाली अलग है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे के लिए ये, जो कि दो वायर मैच करूँगा क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, तो प्लस के लिए मैं जोड़ देता हूँ, देख सकते हैं कि एक में जोड़ दूंगा यहाँ पे और एक में इधर जोड़ दूंगा, माइनस के लिए एक में जोड़ दूंगा यहाँ पे और एक में इस तरफ जोड़ दूंगा जिस तरफ ये तार आ रही है घूम के, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो गया इसका, और अब रह गया इसका यहाँ पे जो कि इसमें कार्ड की बार लगेगी, तो चलिए हम इसे भी जोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जोन सा ये प्रिंट आया हुआ है, ये ग्राउंड है, ये वाला है, ये ग्राउंड है, और उसके बाद ये वाली ऑडियो है। तो फिलहाल मैं एक ही तार जोड़ रहा हूँ, एक ही काफ़ी है तार, ये तीन कोर की जो ये कार्ड में लगती है। तो चलिए अब इसकी पूरी वायरिंग हो चुकी है, बस इसको कार्ड से, कार्ड जो है मेरे पास, मैं उसको दूसरे किसी तरीके से उसको ऑन करके फिर इसके अंदर कार्ड कनेक्ट करके फिर आपको चला के एक बार दिखाता हूँ, और हम ये भी देखेंगे कि कार्ड से ये डायरेक्ट चल पाता है कि नहीं चल पाता। तो चलिए अब मैंने इसकी वायरिंग कर लिया, तो अब चलिए साउंड इसके टेस्ट करके देखते कि किस तरीके से आ रहा है। तो गाइस जैसे कि आप ये देख सकते हो मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, इससे जो कि है मैंने बोर्ड चला रखा है ये वाला, और ये सप्लाई इसको देगा, उसके बाद जो ये ब्लूटूथ कार्ड है ये मैंने अपने यहाँ देख सकते हो इस वाले से इसको चला रखा है जिससे कि अलग रहे, ये आप देख सकते हो। तो इस वाले से मैंने इसको चला रखा है, इस वाले ब्लूटूथ कार्ड को, और इसकी सप्लाई अभी नहीं दिया हूँ, तो ये वाला इसका केबल है, जब इसका सप्लाई दूंगा तब ये ऑन होएगा। मैं जब कभी भी आप इस तरीके से कनेक्शन करो कि इसकी सप्लाई कहीं और से आए और उसकी कहीं और से, तो कार्ड के पीछे जो दोनों ग्राउंड होते हैं उसको आपको आपस में शॉर्ट कर लेना है, ऑडियो का ग्राउंड और सप्लाई का, जिससे कि अगर जरा सी भी इसके ग्राउंड और उसके ग्राउंड के बीच में अगर वोल्टेज बनती है तो आपका कार्ड बच जाएगा, और जो कोई भी दिक्कत होगी तो कहीं और होगी तो कार्ड उस कंडीशन में बच जाएगा। और अगर आप ऐसे भी करते हो कि जैसे कि एक मैंने ग्राउंड यहाँ से ले रखा और आप चेक कर रहे हो और 7805 को अलग से आपने ग्राउंड करके इसी पे ही कनेक्ट कर रखा है, बट वो 7805 के दो वायर हैं, प्लस माइनस के दो वायर 7805 पे जा रहे हैं फिर कार्ड पे जा रहे हैं, और इसके अलग हैं, इसके ग्राउंड आपने इसको दिया फिर ये इसको चला रहा है, ये अलग हो गया फिर वहाँ से दे रखा है, तो क्या होगा अगर वहाँ से भी हल्का सा भी अगर वोल्टेज का डिफरेंस होगा ग्राउंड पर, तो उस कंडीशन में भी आपका कार्ड ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप इस तरीके से कनेक्शन कर रहे हो तो कार्ड की दोनों चीज़ें शॉर्ट कर लें तो ख़राब नहीं होगा। और आप अगर डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हो जैसे कि यहाँ से दो ग्राउंड आई और दोनों के दोनों ग्राउंड, जैसे कि यहाँ से जो भी ग्राउंड आ रही है उसके बाद आपने यहाँ पे कनेक्शन दिया 7805 का ग्राउंड और सप्लाई पे, यहाँ पे अगर कनेक्शन दे रहे हो तो वो ठीक है, अगर आप यहाँ पे यहीं पे ही दे रहे हो तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है अगर जरा सा भी डिफरेंस होता है। तो चलिए अब हम इसको चला के देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। तो गाइस प्लग लगा दिया मैंने, देख सकते हैं आप इसके बाद,
गाइस अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी ऑडियो आ रही है, और जो बूस्ट नहीं हो पा रही है ऑडियो इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर बेस्ट वाले लगा रखा है, तो इसलिए थोड़ी वॉल्यूम जो है थोड़ा कम है। तो और आप देख सकते हो कि अगर हीटिंग की बात करूँ तो ये वाला जो इस साइड का मॉस्फेट है ये बहुत ही ज़रा ज़रा सा हीट हुआ है और उस साइड का नहीं हुआ है। उस साइड का इसके मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, बट हीट दोनों हुए हैं। मेरे को एक कारण इसका ये भी लग रहा है, ये कोयल है ये भी हो गई है, मेरे को एक कारण ये भी लग रहा है कि इसके अंदर से जो सप्लाई आ रही है वो काफ़ी कम आ रही है, तो इस वजह से हो सकता है ये थोड़ा बहुत हीट हुआ हो, बट ये ख़राब नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत हीट होगा ही, ठीक है। मगर बाकी जो क्लास ए बी होते हैं उससे काफ़ी कम है ये। और आप देख सकते हो इसके अंदर हेडसिंक भी नहीं है इतनी हैवी, जो कि ऐसे कुछ हो तो क्लास ए भी रहता तो बड़ी हेडसिंक को भी इतना हीट कर देता वो। थोड़ी देर और चला के देखता हूँ मैं कि कितना गर्म होता है ये। ये पूरी वॉल्यूम बंद कर दिया मैं इसकी। तो दोस्तों थोड़ी देर चलाने के बाद इसकी हीटिंग जो है हीटिंग हो रही है, बट इतनी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की फुल्की हीटिंग है, तो उससे खैर कोई दिक्कत नहीं है अभी, जो कि मैं इसको 30-0-30 पे चला रहा हूँ, हालांकि तो उस कंडीशन में इसे बिल्कुल भी हीट नहीं होना चाहिए था, और एम्पियर भी कम है। और जो आप ये देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, इसके मुकाबले ये ज़्यादा हीट हो रहा है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ बेस टेबल कनेक्ट करके और ये जो सप्लाई है दूसरी सप्लाई लगा के जिसमें से 40-0-40 आउट होए और वो भी पूरे एम्पियर के साथ, तो उस वाली सप्लाई के साथ हम चला के देखेंगे, हो सकता है ड्रॉपिंग की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ चेंज हो रही होगी जिस वजह से ये थोड़ा बहुत हीट हो रहा है। और अगर बात करें तो खाली रखा रखा भी मैं एक बार चला के और देखूंगा कि खाली रखे रखे पर भी हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसमें अगर मैं इसको खाली भी ऑन करके रखता हूँ, मतलब बिना किसी साउंड के, और यहाँ से मैंने स्पीकर की तार भी निकाल रखी है, अगर मैं इसको सिर्फ ऑन रखता हूँ तब भी ये मॉस्फेट उतने ही गर्म होते हैं, और ये कोयले ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ये। इस थोड़ी देर भी इस पर हाथ नहीं रखा जाता है इस पर इसके ऊपर, तो ये इसके अंदर कमी है, या तो ये सप्लाई की वजह से हो रहा होगा। मैं सप्लाई चेंज करके फिर इसे चला के देखूँगा, सप्लाई 40-0-40 की लगाऊँगा फिर चला के देखूँगा, तो ये एक समस्या है इसके अंदर। तो गाइस इसकी हीटिंग की बात करूँ तो ये एक फिक्स हीट पे जाके रुक जाता है, उससे ऊपर नहीं बढ़ता चाहे मैं इसको कितना भी चला लूँ। अभी काफ़ी देर से मैं इसे चला रहा हूँ तो ये उतने पे जाकर रुक गया, बट इसका ये जो टोरॉइड वाला सेक्शन है तो ये हीट होता रहता है, ये इस टाइम पे काफ़ी हीट हो चुका है, इस पर हाथ रखने में भी दिक्कत हो रही है, बट ये जो है ये एक जहाँ हीट हुआ था वहीं आकर के रुका हुआ है। लगभग लगभग इसका फिर भी 70-80 डिग्री के टेम्परेचर होगा इसका, तो उतने पे आके ये रुका हुआ है। बाकी ये जो है इसकी काफ़ी हीटिंग बढ़ गई है, तो हो सकता है सप्लाई कम की वजह से हो रहा होगा। तो मैंने काफ़ी देर चलाया इसको तो ये रिजल्ट आया इसका। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस्ट ट्रेबर और अच्छी सप्लाई के साथ, मैं इसको चला के देखूंगा तब फिर आपको इसको बताता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।